2021 चैंपियंस की लड़ाई हुई 2019 के फाइनल मुकाबले में जो दो टीमें उतरी थी उन्हीं टीमों के बीच मुकाबला हुआ दबंग दिल्ली वर्सेस बंगाल वॉरियर्स और इसके साथ एक मुकाबला और हुआ प्रदीप नरवाल की टीम यूपी योद्धा वर्सेस गुजरात जायंट्स। इन दो टीमों पे बात करेंगे लेकिन उससे पहले भारत के सबसे बड़े गेमिंग प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं विंजो। यहाँ पर आपको 100 से ज्यादा गेम्स मिलेंगे, हल्के फुल्के से लेके मार धाड़ वाले सारे गेम्स हैं वो भी 12 भाषाओं में। इसके साथ फायदे वाली बात यह है कि यहाँ आपको टीम बनाने का झंझट नहीं पालना पड़ता, आप एक्सपर्ट्स की टीम को अपनी टीम बना सकते हैं। फैंटेसी वॉर नाम का फॉर्मेट है, इसके साथ एक वर्ल्ड वॉर नाम का फॉर्मेट भी है जिसमें एक गेम में 2 से 4 टीमें भिड़ती हैं और जो टीम जीतती है उसको मिलते हैं कूपन्स। अब इन कूपन्स का आप इस्तेमाल बिग बास्केट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, हॉटस्टार पर कर सकते हैं। मैच पर वापस आते हैं क्योंकि पहला मुकाबला चैंपियंस के बीच था, नवीन एक्सप्रेस वर्सेस मनिंदर सिंह के बीच ये मुकाबला हुआ। ये दो टीमें टॉप की टीमें इस साल भी नजर आ रही हैं, दबंग दिल्ली वर्सेस बंगाल वॉरियर्स। जीत किसको हासिल हुई? दबंग दिल्ली को, जो बदला था ना 2019 का वो ले लिया क्योंकि 52 रेड पॉइंट्स टोटल, ओवरऑल 52 पॉइंट्स इस टीम ने बनाए हैं, 52-35 के रेशियो से जीता, एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। और इसके साथ नवीन एक्सप्रेस ने कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए। पहले मैच की बात कर लेते क्योंकि जब शुरुआत हुई ना शुरुआत से लग रहा था कि दबंग दिल्ली आज कुछ करके जाने वाली है। जब शुरुआत हुई तो पहला पॉइंट ही दबंग दिल्ली के खाते में गया, नवीन अपनी टीम के लिए पॉइंट लेके आए। शुरुआत से ही रेशियो ऐसा था 0-3, 1-3, लग रहा था बिल्कुल कि ये टीम अपनी हार का बदला लेने आई है, फाइनल्स में जो हार मिली थी उसका बदला लेने आई है। जब तक पहला हाफ हुआ तब तक 15-33 का स्कोर हो चुका था बंगाल वॉरियर्स के खाते के सामने से 15 पॉइंट्स थे, वही दबंग दिल्ली 33 पॉइंट्स के साथ थी। और इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट किसको गया? सुपर 10 निकालने वाले नवीन एक्सप्रेस को। उनके साथ ही दबंग दिल्ली का डिफेंस बहुत शानदार रहा, जिस भी खिलाड़ी ने टैकल करने की कोशिश की उसको पॉइंट्स मिले। लेकिन दूसरी तरफ बंगाल वॉरियर्स की साइड अगर आप देखेंगे तो भाई उस टीम के लिए बहुत दिक्कत है क्योंकि शुरुआत के 15 मिनट तक, मतलब एक सेशन में 20 मिनट का खेल होता है और उसमें 15 मिनट तक बंगाल के डिफेंडर्स एक भी पॉइंट अपने नाम नहीं कर पाए थे। और इसी बीच दिल्ली की टीम ने बंगाल को हर 6 मिनट के डिफरेंस में 2 बार ऑल आउट भी किया। बहुत बड़ी जीत दबंग दिल्ली के लिए। और शायद अगर एक और फाइनल इन दो टीमों के बीच देखने को मिलता है तो आप ये कह लीजिए कि जैसे पिछले सीजन दबंग दिल्ली बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ एक भी मुकाबला नहीं जीती थी, उसी तरीके से दबंग दिल्ली ने ऐसी कुछ शुरुआत इस मैच से कर दी है। पहली मैच में पहला आमना सामना हुआ और इस मैच में जीत हासिल करी। और इसके अलावा आगे के मैच की बात की जाए तो सेकेंड हाफ में मनिंदर सिंह की टीम ने थोड़ी सी वापसी करने की कोशिश की, मैच बनाए अपने लिए, लेकिन वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे क्योंकि दबंग दिल्ली ने पहले ही इतनी बड़ी लीड ले ली थी। ये मुकाबला 52-35 पे जाके ख़त्म हुआ। सेकेंड हाफ में दिल्ली एक बार ऑल आउट हुई, बंगाल जब वापस फॉर्म में आई तो दिल्ली को ऑल आउट किया, लेकिन फिर दिल्ली ने बंगाल को ऑल आउट पॉइंट्स लिए। दिल्ली की तरफ से 36 रेड पॉइंट्स और 8 टैकल पॉइंट्स निकाले। और टीम के लिए सबसे शानदार किसने किया है? नवीन एक्सप्रेस ने 24 रेड पॉइंट्स, अपने करियर का बेस्ट ग्राफ इन्होंने आज दिखाया है। इसके साथ ही उनके जो असिस्टेंट है, इनको जो असिस्ट करते हैं विजय, 10 रेड पॉइंट्स उन्होंने निकाले, बहुत अच्छा किया। उसके साथ आशु जो अजय ठाकुर की जगह आए थे आज उनको मौका मिला था, 3 पॉइंट्स उन्होंने निकाल के दिए। डिफेंस की बात कर लेते हैं तो जीवा ने 3 पॉइंट्स निकाले, जोगिंदर ने 1 निकाला, संदीप नरवाल ने 1 निकाल के दिया और मनजीत ने 2 रेड पॉइंट्स निकाले। दूसरी तरफ बंगाल टीम की बात की जाए तो 28 रेड पॉइंट्स इस टीम ने निकाले लेकिन टैकल पॉइंट्स सिर्फ 5। फर्स्ट हाफ में मैंने आपको बताया कि 15 मिनट तक बंगाल का डिफेंस एकदम फ्लॉप, 0 पॉइंट्स, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बंगाल की टीम कहां पीछे रही। मनिंदर सिंह ने 16 रेड पॉइंट्स निकाले, उनके साथ सुकेश हेगड़े ने 9 रेड पॉइंट्स निकाले, अबूजा ने डिफेंस में 4 टैकल पॉइंट्स निकाले हैं, दर्शन ने 1 टैकल पॉइंट निकालता है। लेकिन जब बंगाल की टीम की बात होती है ना तो आप बीते 2 मैचेस देखेंगे तो एक खिलाड़ी के ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा होती है, इसका जिक्र मैंने आपसे पहले भी किया है, इस्माइल नबी बख्श, एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने पहले मैच में आते ही एक सुपर रन लगाया था और अपने आने का आगाज कर दिया था, लेकिन उसके बाद से उस फॉर्म को मेंटेन नहीं कर पाए और इस मैच में भी वही दिखा। कुल 3 बोनस पॉइंट्स इनके खाते में गए हैं, जब रेड करने गए तो 1 भी पॉइंट नहीं निकाला। और दिल्ली ने भी वही किया कि आते ही इस खिलाड़ी को अटैक किया, पहला रेड पॉइंट जो दिल्ली के खाते में गया था मैच की शुरुआत में वो इस्माइल नबी बख्श को बाहर भेज कर आया था। ये पूरा मैच बहुत इंटरेस्टिंग,
अगर आप हाइलाइट्स देख सके तो जरूर देखिएगा, क्योंकि दिल्ली ने बिल्कुल दबंग वाला परफॉर्मेंस दिया है। और जो पूरे मैच पे एक चहल पहल लगी हुई थी, क्योंकि ये टीम बदला लेने के लिए उतरी थी, वो साफ दिख रहा था। और इस मैच में दबंग दिल्ली इतनी हाई थी कि उनके कप्तान जोगिंदर नरवाल को ग्रीन कार्ड भी दिखाया गया था, और साथ में कई बार कहा भी गया था कि भैया आपके जो खिलाड़ी रेड करने जा रहे हैं, रेडर्स हैं, उनको रेड करने दीजिए, आप पीछे से बोलिए मत। इसके साथ दूसरा मुकाबला हुआ प्रदीप नरवाल की टीम का, यूपी योद्धा वर्सेस गुजरात जायंट्स। इस मुकाबले में क्या हुआ, थोड़ा सा लगा कि ये यूपी योद्धा वाली टीम फंस रही है। पहला हाफ ऐसा था, लग रहा था कि यहाँ से प्रदीप नरवाल की टीम की वापसी नहीं है। पिछले मुकाबले में सिर्फ 3 रेड पॉइंट्स निकाले थे, तो वापसी थोड़ी सी मुश्किल लग रही थी। लेकिन पहला हाफ जैसे तैसे खत्म हुआ 14-20 के रेशियो पे। लेकिन जो वापसी करी है सेकेंड हाफ में, इस टीम ने 32-32 से इस मुकाबले को टाई पर खत्म किया है। प्रदीप नरवाल को सारा क्रेडिट जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से रेड पॉइंट्स उन्होंने अपनी टीम को निकाल के दिए हैं। इसकी टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो रेड पॉइंट से यूपी ने 19 पॉइंट्स कमाए हैं और 9 टैकल पॉइंट्स आए हैं। गुजरात की टीम एक टाइम पे लीड पे थी, उनके पास एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे, चाहती थी कि वो आगे लीड बढ़ा सके अपनी, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। 22 टोटल रेड पॉइंट्स कमाए, 7 टैकल पॉइंट्स कमाए हैं इस टीम ने। और सेकेंड हाफ में आते आते ये टीम दब गई, क्योंकि जब वापसी हुई सेकेंड हाफ में तो यूपी योद्धा ने दिखा दिया, 22-22, 32-32 करके मुकाबले को ख़त्म किया। इस टीम के स्टार परफॉर्मेंस की बात की जाए तो प्रदीप नरवाल से ऊपर किसी और खिलाड़ी का नाम नहीं हो सकता। श्रीकांत को इनके असिस्ट के लिए लेके आया गया था कि प्रदीप नरवाल और श्रीकांत टॉप में यूपी योद्धा को रखेंगे, जो फाइनल्स के लिए नहीं पहुंच पा रही है ना, कि क्वालिफायर्स में रह जाती है, टॉप की टीम्स में तो हमेशा रहती है, तो वो जो ग्राफ है ना, वो एक और स्टेप है, वो पार हो जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं दिखा है, क्योंकि श्रीकांत खुद परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। 1 पॉइंट लिया, वो भी बोनस के जरिए आया। प्रदीप नरवाल की बात की जाए तो 11 रेड पॉइंट्स उन्होंने निकाले। सुरेंद्र गिल के नाम 6 रेड पॉइंट्स रहे और रोहित तोमर के नाम 2 रेड पॉइंट्स। एक खिलाड़ी नजर आता है प्रदीप नरवाल जो कंटिन्यूअसली टीम के लिए स्कोर करता है, अगर बीता मैच हटा दिया जाए तो। डिफेंस की बात की जाए तो डिफेंस भी ज्यादा कुछ शानदार नहीं रहा। सुमित ने 3 टैकल पॉइंट्स निकाले और आशु ने 3 टैकल पॉइंट्स निकाले। इसके अलावा ऑपोजिशन गुजरात जायंट्स की बात की जाए तो राकेश नरवाल, प्रदीप नरवाल पे इस मैच में काफ़ी भारी पड़े हैं, क्योंकि दोनों की अगर आप रेड पॉइंट्स देखेंगे, जहां प्रदीप ने 11 हासिल किए, वहीं राकेश नरवाल अपनी टीम को काफ़ी आगे लेके गए, 13 रेड पॉइंट्स उन्होंने निकाले हैं। इसके साथ ही अजय कुमार के खाते में 4 रेड पॉइंट्स रहे और राकेश सुनग्रोवा के खाते में सिर्फ 3 रेड पॉइंट्स। राकेश सुनग्रोवा, राकेश नरवाल गुजरात को चलाने वाले खिलाड़ियों में से हैं। एक खिलाड़ी चल रहा है, दूसरा नहीं चल रहा, ये टीम के लिए आगे चल के दिक्कतें हो सकती है। इसके अलावा डिफेंस की बात की जाए तो प्रवेश बेंसवाल, 2 टैकल पॉइंट्स उन्होंने निकाले हैं। उसके अलावा रविंद्र पहल के खाते में 1 टैकल पॉइंट गया। और एक खिलाड़ी को मैं आपको सजेस्ट करी थी कि आप अपनी टीम में रख सकते हैं, गिरीश नाग, आज इस खिलाड़ी ने परफॉर्म करके दिया है। शुरुआत में ही जो यूपी योद्धा को पीछे कर रखा था, वो इसी खिलाड़ी ने कर रखा था, 4 टैकल पॉइंट्स निकाले थे। हालांकि सेकेंड हाफ में ग्राफ थोड़ा सा गिर गया इनका, लेकिन शुरुआत में काफ़ी अच्छा, फर्स्ट हाफ में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैचेस में क्या कुछ चल रहा है प्रो कबड्डी लीग के, वो देखने के लिए जुड़े रहिए कैसे कबड्डी के साथ, देखते रहिए दी ललन टॉप। और अगर अभी तक आपने हमारे नए चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां पर आपको हर गेम से रिलेटेड सारी खबरें, किस्से, कहानियां सब वहां मिलेगा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।